इस बार हमने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन केरला में बिताए जाएं, तो हम अहमदाबाद से कोची एयरपोर्ट पहुंचे। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जो अपने आप में एक उपलब्धि और पाथ ब्रेकर है एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। एयरपोर्ट से चेरई जाने के लिए हमने प्रीपेड टैक्सी, जो कि 7 सीटर थी, वो ली, जिसके हमने करीबन 1250 रुपये पे किए। नमस्कारम, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं कमलदीप सिंह बजाज और आपका स्वागत है मेरे चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। और मैं आप पहुंचा हूं क्लब महिंद्रा चेरई बीच, जो कि घंटे की दूरी यानी कि 26 किलोमीटर है कोची एयरपोर्ट से। और इसको क्लब महिंद्रा ने इंद्रिया बीच रिजॉर्ट एंड स्पा से करीबन 7 साल पहले लीज पे लिया था। तो आए देखते हैं कि ये कैसा रिजॉर्ट है और इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। आइए, सभी दोस्तों से निवेदन कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अवश्य कमेंट करें। तो आए दोस्तों, देखें चेरई बीच रिजॉर्ट का रिसेप्शन कैसा है। काफी ट्रेडिशनल वे से बनाया गया है। ये इनका सिटिंग एरिया है, या इसे लॉन्च समझ लें। इनके पास फ्रेश हनी है बेचने के लिए। काफी सुंदर पेंटिंग। और ये हैं हमारे मिस्टर विनीत, जो मुझे ब्लॉग बनाने में काफी मददगार रहे हैं। मेरे साथ हैं डेलना, और डेलना चेरई बीच रिसोर्ट में रिलेशनशिप मैनेजर हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि चेरई बीच रिसोर्ट यहाँ पे क्यों फेमस है, बताइए डेलना। क्योंकि ये रिसोर्ट एक साइड में आपको बीच मिलेगा, दूसरी साइड में आपको बैक वाटर्स मिलेगा। आपके मतलब रिसॉर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड चेरई बीच है। चेरई बीच है और वो सेफ है नहाने के लिए। नहाने के लिए सेफ है, तो क्योंकि मानसून टाइम में थोड़ा रश रहेगा, वो टाइम में दूसरा बीच है हमारा नियर। और ये जो बैक वाटर्स बोलते हैं, वो आपके रिसॉर्ट के अंदर से ही बैक वाटर्स, हमारा पूरा रूम बैक वाटर फेस करता है। ओके, और उसके आसपास आपके चेरई बीच के आसपास कौन सी बीचेस हैं जो अच्छी हैं? अच्छी है कि इस रिसोर्ट से लेफ्ट साइड में गया तो 2 किलोमीटर जाने पड़ेगा, 1 to 2 किलोमीटर। उधर कुरपुली बीच मिलेगा। कुरपुली है कि पूरा पीसफुल बीच है, सैंडी बीच है, इतना रश भी नहीं होगा। और ऑपोजिट गए में मींस राइट साइड में गया तो मुनबम बीच मिलेगा। मुनबम मींस द एंडिंग पॉइंट, बैक वाटर्स और सी कनेक्टिंग एरिया है। उधर गया तो ज्यादा अच्छा व्यू मिलेगा आपको। वेरी नाइस डेलना, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर रिसोर्ट। चेरई क्लब महिंद्रा में इन्होंने बहुत ही सुंदर आर्टिफिशियल लेक बना रखा है, ये पूरा आप देख सकते हैं। तो चले, इनका स्टूडियो रूम देखने का टाइम हो गया है, तो मेरे साथ चलें और स्टूडियो रूम देखें। स्टूडियो रूम में प्रवेश करते ही एक बड़ा बेड, सोफा टीवी देखने के लिए, और एक एक्स्ट्रा बेड, काफी सुंदर बेड और रूम का डेकोर किया हुआ है। और ये है टीवी यूनिट, इन्होंने अलग से वॉक इन वार्डरोब टाइप बनाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने एक मिनी फ्रिज दे रखा है, चाय कॉफी की मशीन, सामान रखने की जगह, काफी बड़ी कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, और सबसे सुंदर चीज बैक वाटर का नजारा। मेरी अर्धांगिनी मेरी यहां पे बैठी मेरी राह देख रही है। रूम से बाहर निकलते ही आप बैक वाटर का नजारा देख सकते हैं। मैं इस जगह पे घंटों बैठ सकता हूं। आइए इनका वॉशरूम देखें। तो आए देखते हैं अरोमी दी इटालिया इटालियन रेस्टोरेंट। ये इनका अंदर का रेस्टोरेंट का सेटअप है, जो कि एसी रेस्टोरेंट है। उसके अलावा यहाँ पे बार रूम भी है, जहाँ पे कॉकटेल्स और मॉकटेल्स सब कुछ मिलता है।
और इनका बाहर भी एक सेटअप है जो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, जो कि इवनिंग में बहुत ही अच्छा नज़ारा देता है। ये रेस्टोरेंट के बाहर का नज़ारा है जहाँ से आप सी देख सकते हैं। नाम मात्र के लिए बहुत ही छोटा सा जिम। आए देखें इस रिजॉर्ट का छोटा सा पूल। आगे की तरफ बच्चों के लिए किड्स पूल है और इस तरफ सब लाउंजर्स दे रखे हैं। और बिल्कुल उसके पीछे की साइड पे बैक वाटर्स है और ये बोट राइड है जो 2500 रुपये एक घंटे का लेते हैं और आपको एक घंटे के लिए बैक वाटर्स में ले जाते हैं। क्लब महिंद्रा चेराई में इनके पास ट्रेडिशनल कॉटेजेस भी हैं और ये कॉटेजेस इंटरकनेक्टेड हैं और ऐसे इनके पास दो सेट हैं। तो आए देखते हैं इनकी ट्रेडिशनल कॉटेज जो कि पूरी लकड़ी से बनी हुई है, अति सुंदर। रूम काफ़ी बड़ा नहीं है, मगर हाँ, अगर किसी को केरला के ट्रेडिशनल वे में रहना है तो अवश्य इस रूम में रहें। छोटा सा टीवी, मिनी फ्रिज और यहाँ पे आप खुली हवा में नहा सकते हैं। और ये इंटरकनेक्टेड रूम था जैसे मैंने पहले बताया, तो ये दूसरा रूम है। क्यों ना एक बार फिर से याद दिला दूं कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्लब महिंद्रा चेराई बीच का स्वास्थ्य स्पा, जहां पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दी जाती है, आयुर्वेदिक के हिसाब से स्पा दिया जाता है। आए देखें इनका रूम। इस रूम में जो बेड है वो भी आयुर्वेदिक के हिसाब से, स्पा देने के हिसाब से बनाया गया है। ये स्टीम बॉक्स है, इसके अंदर बिठा दिया जाता है और स्टीम दी जाती है और इसके द्वारा सिरोधरा ट्रीटमेंट दी जाती है। ये छोटा सा वॉशरूम, स्पा लेने के पश्चात जो यूज किया जाएगा। आओ मैं आपको दिखाता हूँ होटल यूनिट जिसमें हम लोग ठहरे हुए हैं। रूम के अंदर आते ही सोफा सेट, काफ़ी बड़ा बेड, रूम की साइज काफ़ी बड़ी है। मगर ओवरऑल डेकोर की बात करें या रख रखाव की बात करें तो रूम के रख रखाव में काफ़ी गुंजाइश है, काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा रिजॉर्ट वालों को। आप रूम में से आर्टिफिशियल वाटर बॉडी को देख सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं। ये है इनका टीवी और राइटिंग डेस्क। कबर्ड, छोटा सा फ्रिज, आप अपनी चाय यहाँ बना सकते हैं, अपने आप को संवारे यहाँ पे। और छोटा सा बाथरूम, के क्लब महिंद्रा चेराई बीच रिसोर्ट की हाउसकीपिंग सर्विसेज बहुत ही स्लो हैं। शायद कछुआ भी उससे जल्दी काम कर सकता है। कोई भी चीज़ मंगानी है आपको, चाहे वो खाना हो, चाहे कोई वो चीज़ हो, चाहे वो बाथरूम की कोई भी चीज़ हो, तो आपको मिनिमम उनको एक घंटा देना ही पड़ेगा। आओ मैं आपको हमारे रूम के बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। मैंने पूरी प्रॉपर्टी का दौरा किया है और यहाँ पर गार्डन का मेंटेनेंस आप देख सकते हैं।
बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं किया गया है। अगर मार्क्स देने हो 10 में से तो मैं गार्डन मेंटेनेंस को 5 मार्क्स ही दूंगा। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है मगर गार्डन का रख रखाव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमारे रूम के बाहर आते ही यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इन्होंने वाटर बॉडी बनाई हुई है और यहाँ पे क्लब महिंद्रा का स्टाफ फिशिंग कर रहा है। और जो रेस्टोरेंट में फ़िश वो लोग देते हैं वो ये वाली फ़िश होती है हैप्पी हब में, जहाँ पे आप अपने बच्चों को बिज़ी रख सकते हैं, जहाँ पे एक बिलियर्ड का टेबल दे रखा है, बच्चों को खेलने के लिए बॉल रूम, हॉकी, मेरी भाभी और मेरे नेफ्यू कैरम खेल रहे हैं, टेबल टेनिस का टेबल, प्लॉट फोर और काफ़ी सारी गेम्स। रिजॉर्ट के बिल्कुल सामने ही जस्ट अक्रॉस द रोड है बहुत ही सुंदर चेराई बीच। आइए मेरे साथ देखते हैं इनका वन बेडरूम कैसा है। अंदर आते ही बहुत ही बड़ा सिटिंग रूम, टेबल चेयर और काफी बड़ा सोफा एवं एक छोटा सा पलंग भी दे रखा है। यहाँ पे काफी बड़ा टीवी, पूरी टीवी यूनिट। चलें उनके रूम में। काफी बड़ा बेड और एक एक्स्ट्रा बेड भी दे रखा है। 1 BR में 4 लोग रह सकते हैं। ये है इनका टीवी यूनिट और राइटिंग टेबल। यहाँ पे आप अपना सामान रखें, छोटा सा फ्रिज, चाय कॉफी पीने का सामान। ये है इनकी कबट और वॉशरूम। और इस रूम में से, उनकी बारी में से आप बैक वाटर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इस रूम में उन्होंने एक छोटा सा पूल बाहर दे रखा है जो कि बैक वाटर्स के बहुत ही समीप है। यह है चेराई का बैक वाटर्स। अति सुंदर वातावरण। मैं आ गया हूं वनप्रिया मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट में। इसे ये कॉफी शॉप की तरह भी यूज करते हैं। मैंने और मेरी वाइफ ने केरला स्टाइल में कल चिकन खाया था जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। ये यहाँ के मैनेजर हैं। मैंने यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है सर? अंदर का सीटिंग है ऑलमोस्ट 40 पैक्स। ओके, और आउटसाइड कैपेसिटी? बाहर का है हमारा 25 पैक्स। ओके ओके, थैंक यू। देखते हैं इनका बुफे का लंच स्प्रेड। हमने यहाँ पर टोटल 4 आला काटे मील लिए और चारों ही मील स्वाद में A1 थे। यहाँ का खाना दूसरे क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट्स के कंपैरिजन में सस्ता है। अगर आप नॉनवेज के चाहक हैं तो ये नॉनवेज का पूरा सेक्शन है। अब मैं ले चलता हूँ आपको अल्फ्रेस्को की जगह पे। ये बैक वाटर्स के साथ अगर आप अपना लंच या डिनर एंजॉय करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन जगह है। रिसेप्शन के बिल्कुल पीछे की ओर बच्चों का प्ले एरिया है।
और अगर आप केरला से कुछ सोविनियर ले जाना चाहते हैं घर पे, तो रिजॉर्ट के अंदर एक छोटी सी शॉप भी है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो अवश्य उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, भूले बिना कमेंट भी करें।